हेलो फ्रेंड्स, कुल मम्मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ गाउन की कटिंग और स्टिचिंग। मैं इसे कटिंग कर रही हूँ अम्ब्रेला कट में, जो कि ये गाउन का नीचे का घेरा है। अम्ब्रेला कट कटिंग करने के लिए कपड़े को हम चार फोल्ड में इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और इस तरह से सबसे पहले हम इसके कमर में मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग कर लेने के बाद फिर नीचे घेरे की मार्किंग करना है और इसे एक पॉइंट लेते हुए सेमी सर्किल बनाते हुए इसे कटिंग करनी है। और घेरे की कटिंग हो चुकी है। मैं तीन लेयर बना रही हूँ, जो कि एक एक घेरा हर एक दूसरे से 2 इंच छोटा है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग की हुई हूँ, जो कि ट्रायंगल शेप में है, लेकिन इसे मुझे पफ स्लीव्स बनानी है और इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। अब फ्रेंड्स, मैं इसकी कटिंग की हूँ अस्तर की, जो कि नीचे घेरे में मुझे अस्तर लगानी है, जिससे कि उसका फ्लो और अच्छा आएगा। और ये है अपर पार्ट में बैक कटिंग है। बैक कटिंग के लिए मैं लंबाई ली हूँ इसकी 28 इंच और मुझे इसमें बोट नेक के साथ में डीप नेक करनी है। उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें कटिंग बनाई हुई हूँ और मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ चेस्ट, कमर और हिप के अकॉर्डिंग। इसका चेस्ट चाहिए हमें 32, कमर चाहिए 28 और हिप चाहिए 32। तो इस तरह से मैं इसमें मार्किंग कर चुकी हूँ। मार्किंग करने के बाद अब ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग चालू करेंगे। इसके लिए मैं नीचे के जो घेरे में है वो 1/2 इंच की किन-किन पट्टी अटैच कर रही हूँ। दो लेयर में मैं ऊपर के दो लेयर में मैं 1/2 इंच की किन-किन अटैच करूँगी और नीचे की जो सबसे नीचे में जो लेयर रहेगी उसमें मैं 1.5 इंच की चौड़ाई वाली किन-किन पट्टी अटैच करूँगी। और इस तरह से हमें तीनों ही लेयर में किन-किन पट्टी अटैच कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेयर हम सबसे नीचे रखेंगे, जिसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा है और इसमें किन-किन पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है। और 1.5 इंच की चौड़ाई लेके हमें इस तरह से स्टिच करनी है। लेकिन इसे मैं जब मैं किन-किन पट्टी इसमें अटैच कर रही हूँ तो उसे मैं डबल फोल्ड ना करके एक ही फोल्ड कर रही हूँ। और फिर ये तीनों ही लेयर को हम इस तरह से पकड़ के एक दूसरे से सिलाई कर लेंगे, जिससे कि अटैच करने के टाइम में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हम अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। अपर पार्ट का बैक नेक हम पहले स्टिच करेंगे। तो बैक नेक के लिए हम अस्तर को मेन फैब्रिक के राइट साइड में हम इसे रख के स्टिच करेंगे। चारों तरफ से स्टिच कर लेने के बाद अब हम मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। बहुत ही सावधानी से कट करेंगे, क्योंकि कपड़ा जो है वो फर वाली है, तो इसलिए कटिंग और स्टिचिंग के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बहुत ही सावधानी से कटिंग करिए। उसके बाद फिर इसमें चारों तरफ छोटे छोटे कट लगाइए और इस तरह से आप पलट लीजिए। पलटने के बाद एक चाप की सिलाई देते हुए आप इसे सिलाई कर लीजिए। चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिलाई कर लीजिए। फर जो है वो आपके जिस डायरेक्शन में भी निकल रही है उस डायरेक्शन में ही रहने दीजिए और आप इसे एक चाप की सिलाई देते हुए चाप सिलाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बैक नेक की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, जो कि ऊपर बोट नेक है और नीचे में डीप नेक किया हुआ है। अब मैं स्लीव्स की स्टिचिंग कर रही हूँ। स्लीव्स स्टिचिंग के लिए मैं मोहरी के साइड में छोटे छोटे इस तरह से पहले प्लेट्स लगा रही हूँ। प्लेट्स बनाने के बाद फिर इसमें हम इसके आगे में फर वाला कपड़ा लिए हैं। तो जितनी चौड़ाई फर के कपड़े की है उतनी ही चौड़ाई की हमें प्लेट्स देकर नेट का फैब्रिक हमें रेडी करना है और इस तरह से हमें एक दूसरे में इस तरह से अटैच कर लेनी है। अटैच कर लेने के बाद फ्रेंड्स,
अब हमें आर्म होल के साइड में भी हमें इसमें चुन्नट दे देनी है जितना हमें आर्म होल चाहिए। अटैच करने के टाइम में अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो उसमें से हम कुछ चुन्नट खोल देंगे। अभी हम इसे देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से इसमें हम चुन्नट दे दिए हैं और पफ स्लीव वाली हमारी फुल लेंथ स्लीव रेडी हो चुकी है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और स्टाइलिश भी लग रही है। और ये हमारे पास स्लीव्स रेडी हो चुका है। स्लीव्स रेडी होने के बाद अब इसे हम आर्म होल में अटैच करेंगे। आर्म होल में बहुत ही सावधानी से अटैच करेंगे, जिससे कि इसका स्लीव्स का सेंटर आर्म होल के मेन फैब्रिक के सेंटर में मैच करें। और अगर आर्म होल स्लीव्स से छोटी होती है तो इसमें से हम एक दो प्लेट्स खोल देंगे। इसके बाद फिर अब हम घेरे में जो कि तीन लेयर नेट और अस्तर सारा कुछ एक साथ अटैच किए हुए हैं, अब इसे हम मेन फैब्रिक के साथ में इस तरह से पकड़ के एक साथ अटैच कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे इसमें घेरा भी अटैच हो चुका है, स्लीव्स भी अटैच हो गया है, अब सिर्फ हमें इसमें फिटिंग करनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, गाउन रेडी हो चुका है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये गाउन मैं एक शो के लिए बनाई हुई थी, शो में पहनना था उसे। और फ्रेंड्स, ये इस तरह से जो बैक में वो अपना जो कपड़ा डाउन की है, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर देखिए। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि गाउन का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और ये जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट की है, ये टाटा स्टील की तरफ से हुआ है और इस कंपटीशन में विनर हुई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, गाउन का लुक बहुत ही खूबसूरत आया है। और जो ये जितने भी मैं ड्रेसेस रेडी करती हूँ, ये सारे शो में ही काम आता है, पहनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।